फिर आगे कीजिए। मैं कहा कि इसलिए थोड़ा टाइम दे दिया कि कहीं ऐसा ना भूल जाओ पढ़ना जो है। तो जो श्रीमती मैंने आपने कहा कि मैंने मिश्रा दिया था, तो हमको तो दिया नहीं था, अपना सुनाया था। हमने कहा अच्छा है, सुनिए। हाँ हो गया ना मिश्रा, भाई सुनिए कहा जी। हाँ और बहुत दिल लगा के सुनना। क्या मिश्रा आपका मशहूर मशहूर मैं कह रहा हूँ गुलाम साहब कि उनका खत जख्म न होता गमे जिंदगी के साथ, उनका जख्म न होता गमे जिंदगी के साथ, कोई भी गम कबूल न करता खुशी के साथ। उनका जख्म न हो बिल्कुल उसको रेडीमेड कर जो मुझे चाहिए, लेकिन ये मतलब अच्छा हो गया इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। उनका जो गम न होता हमें जिंदगी के साथ, कोई भी गम कबूल न करता खुशी के साथ। कहता हुक्मे रसूल पाक को माना ना तूने शेख, हुक्मे रसूल पाक को माना ना तूने शेख, इतना बड़ा फरेब किया जिंदगी के साथ। हुक्मे रसूल क्या पुलिस आ गई क्या? हुक्मे रसूल पाक को माना ना तूने शेख, अबे इतना बड़ा फरेब किया जिंदगी के साथ। और गैरों के दल पे जाने से कुछ फायदा नहीं, गैरों के दल पे जाने से कुछ फायदा नहीं, मशरूत है नजात बिलाए अली के साथ। ये जो आ गया अब यहाँ से अदीर पढ़ते हैं, फिर अदीर के बाद उसके बाद पढ़ेंगे और उसके बाद कलाम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी दो ही बजा इस बार, जो कितना बजा रहा है सवा दो बजा। अच्छा अभी सैदाना साहब भी आए हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, नवाब साहब को सुनना है, लोग सुनना है, और चंदन भी है ना कहीं। हाँ अरे मुझे उनके उनके बाद जो शेर पढ़ना था तो मेरा मन ही किया था, अब वो पढ़ ही नहीं सकता। सुनिए। आया नजर अजीब जो मंजर गदीर में, ए भाई साहब नहीं हाँ चलिए इनके लिए मानने चलो चलिए फिर से आया नजर, सुनो सुनो ये सके आई क्या बात है, इसको हमारे पास ही आके बैठते हैं, मैं पढ़ता हूँ। सुनिए। आया नजर अजीब जो मंजर गदीर में, ऐलान क्यों करे ना अबू जर गदीर में, ऐलान क्यों करे ना अबू जर गदीर में, भाभी से कह दो आके बनाए उतार ले, अरे दूल्हा बना है आपका देवर गदीर। आया नजर आया नजर अजीब जो मंजर गदीर में, अरे ऐलान क्यों करे ना अबू जर गदीर में, भाभी से कह दो आके बुलाए उतार ले, दूल्हा बना है आपका देवर गदीर। तो मुमला ऐसा कहीं फसो तो ऐसा सिर पड़ा करो। आया नजर अजीब जो मंजर गदीर में, ऐलान क्यों करे ना अबू जर गदीर में, भाभी से कह दो आके बलाएं उतार ले, दूल्हा बना है आपका देवर कदीर में। क्यों दूल्हा बना है आपका देवर कदीर में, तो हैदर की जानशीनी का ऐलान हो गया, हैदर की जानशीनी का, इस्लाम की हयात का सामान हो गया, इस्लाम की हयात का बखी लगा जबा पे मुनाफिक के आया, जब हम समझे मसले से मुसलमान हो गया, हम सब ये मसलहत से मुसलमान हो गया। अली आला है सबसे इसलिए आला समझते हैं, अली आला है सबसे
इसलिए सांस चलने लगी ना भाई, अली आला है सबसे, इसलिए आला समझते हैं, फकत आला नहीं हर एक से औला समझते हैं, फकत आला नहीं हर एक से औला समझते हैं। मुबारकबाद देकर हम कर जाएं, अरे तौबा, अरे नबी ने कह दिया मौला तो हम मौला समझते हैं। नबी ने कह दिया मौला तो हम मौला समझते हैं। मैं 3 साल से देख रहा हूँ, शायद यहाँ बराबर आ रहा है और वही सिक्वेंस पढ़ रहा है, मुझे जुबानी सबके शेर याद आ गए। तो मैंने कहा अपने को गलत करने से फायदा क्या है, हाँ कहाँ तक देखो, देखें कसीदा लिखेंगे, हाँ गुरु ब्रेक बनाएंगे, जिंदा रहेंगे, और अगर छा गया कोई महफिल में शायद नया छोड़ देंगे पुराना पढ़ेंगे। हमारे पास हर रंग का शेर है, जब चाहूं जैसी पलटी कर दूंगा। और ये खालिश महिमा है जो सुनने आया है, ये जो बैठे वो सब पढ़ेंगे, जितना पढ़ाओगे उतना पढ़ूंगा, सुबह कर दूंगा, नमाज पढ़ के जाओगे। अरे जिशान साहब करो क्या रखो, अरे जिब्रील लेके आ गए आयत गदीर में, सुनो जिब्रील लेके आ गए आयत गदीर में, गुजा पयाम हक मशीयत गदीर में, अरे सरते अली के ताजे विलायत को देखकर कितनों की ही निकल गई मैयत गदीर में। कितनों की ही निकल गई, अब उस्तान ऐसे शेर पढ़ना चाहिए क्यों? अच्छा तो मुकद्दर जब बिगड़ता है तो ये आलम भी होता है, मुकद्दर जब बिगड़ता है तो ये आलम मुबारकबाद लब पर और दिल में गम भी होता है, मुबारकबाद लब पर और दिल में, और कहीं देखा ना हो जिसने नदीर खुम में आ देखे, जहाँ बचती है शहनाई वहीं मातम भी होता है। अगर मैं 1000 शेर पढ़ूंगा तो नॉन स्टॉप दाद मिलेगी हर जगह, और एक टॉपिक पर कभी से हटता नहीं। दिलों में जिनके मोहब्बत नहीं है हैदर की, दिलों में जिनके मोहब्बत नहीं है हैदर की, तो उनके वास्ते खुल्दे बरी की राह नहीं, और अली का जश्न हो और उसमें हम शरीक न हो तो इस गुनाह से बढ़कर कोई गुनाह नहीं। बोलिए अली के दुश्मनों को जिंदगी भर हम जलाएंगे, अली के दुश्मनों को जिंदगी भर दो थी, अली के दुश्मनों को, अरे हाथ अली के दुश्मनों को, अरे नहीं नहीं वो बोल रहे भूख लगी है हमको, अली के दुश्मनों को जिंदगी भर हम जलाएंगे, अली के दुश्मनों को जिंदगी भर हम जलाएंगे, कयामत तक गदीरी जश्न हक वाले मनाएंगे, कयामत तक गदीरी जश्न हक वाले बनाएंगे। वसी अपना बनाया है अली को शाहे वाला ने, जरे दुश्मन मगर भाईदरी नारा लगाएंगे। ये जो बाहर जो आते हैं ये अक्सर ये वो जी शान ये सब भाई ये सब सुनने थोड़ी आते हैं, वो शेर सुनिए। पूछा लोगों ने कि अल्लाह को प्यारा क्या है, नवाब साहब जब 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 उस्ताद लोग आ जाते हैं तो मैं शेर अच्छा पढ़ता हूँ। सुनिए, पूछा लोगों ने कि अल्लाह को प्यारा क्या है, अपने जन्नत में पहुंचने का सहारा क्या है,
अपने जन्नत में पहुंचने का, तो हंस के बोले ये नबी पूछते हमसे क्या हो, देखो हैदर की तरफ उनका इशारा क्या। और सुनिए, हट जाओ कयामत आ रही है। वो जिसकी उंगलियों पर बाबे खैबर फूल बन जाए, नवाब साहब खैबर बोले साहब फूल बन जाए, देखिए नुक्ता देखिए, वो जिसकी उंगलियों पर बाबे खैबर फूल बन जाए, नजर में क्या किसी की और भी ऐसी फजीलत है, नजर में क्या किसी की और भी ऐसी फजीलत है, ऐसे उसी को मिंबरे खुम्मल लिए हैं दोनों हाथों पर, इलाही मुस्तफा के बाजुओं में कितनी कुव्वत है। उसी को मिंबरे खुम्मल लिए हैं दोनों हाथों पर, इलाही मुस्तफा के बाजुओं में। हाँ ठीक है, पढ़ू मैं तुम सुने जाओ, न मैं सोचू न तुम सोचो, पढ़ू मैं और पढ़ू मैं तुम सुने जाओ, न मैं सोचू न तुम सोचो न तुम सोचो, इसी लय में बहे जाओ तुम सोचो न मैं, इसी लय में बहे जाओ न मैं सोचू न तुम सोचो, अली की मजा में जो भी कहूंगा सब भला होगा, अली मौला कहे जाओ न मैं सोचू न तुम सोचो। अली मौला कहे जाओ, शेर नहीं सुना है लेकिन हाथ है बहुत अच्छा है। अली मौला कहे जाओ न मैं सोचू, अरे हम उन्हें उगदा कुशा नवाब साहब, हम उन्हें उगदा कुशा राजे दिली कहते हैं, नायबे खत में रसूल हक का वली कहते हैं, ये फजीलत मेरे मौला को मिली है रब से, 11 मासूमों के मरकज को अली कहते हैं। मासूमों के मरकज को अली कहते हैं। अब इनकी तरफ से इशारा हो गया, आखिरी कदा पढ़ रहा हूँ, जब मुंशी साहब आते हैं तो इसको जरूर सुनते हैं। नबुवत की फजीलत अहमद मुख्तार को दे दी, नबुवत की फजीलत अहमद मुख्तार को दे दी, इमामत के अली हकदार थे हकदार को दे दी, इमामत के अली हकदार थे हकदार को दे दी, अली को फिर रजी अल्लाह कहने का है मकसद क्या, कि जब मर्जी खुदा ने हैदर करार को दिया।